और अब बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आपको एक मुंबई से बता दें। मुंबई के पास ठाणे में नए साल से ठीक एक दिन पहले रेव पार्टी करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है। दोनों पर रेव पार्टी करवाने का आरोप लगा है जिसमें ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया। दोनों आरोपियों के पास से 12 लाख रुपए के ड्रग्स भी बरामद किए गए हैं। तो ठाणे में रेव पार्टी करने का आरोप है, दो लोग जो है इसमें गिरफ्तार किए गए। इतना ही नहीं, 100 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। लगातार नए साल के जश्न को लेकर जगह जगह छापेमारी भी की गई थी। एक तरफ जश्न में डूबे हुए लोग, दूसरी तरफ मुंबई में एहतियातन मुंबई पुलिस जो है उसने ये छापेमारी की। तो महाराष्ट्र के ही ठाणे में नए साल से ठीक एक दिन पहले पुलिस ने एक रेव पार्टी पर छापा मारा। ठाणे क्राइम ब्रांच की टीम ने इस पार्टी पर कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। इन सभी पर देर रात से हो रही पार्टी में ड्रग्स लेने का आरोप है। पुलिस ने शनिवार रविवार की रात तकरीबन 2 बजे ये छापेमारी की जिसमें बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए। ठाणे पुलिस के मुताबिक ये रेव पार्टी मुंबई से सटे हुए ठाणे के घोड़बंदर रोड पर वडवली बीच के पास आयोजित की गई थी। तो ठाणे में रेव पार्टी पर छापेमारी की गई जिसमें 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। इतना ही नहीं, इनसे पूछताछ भी की जा रही है कि आखिर कौन से वो लोग हैं जिन्होंने इस रेव पार्टी का आयोजन किया था और कौन कौन से वो लोग हैं जो यहां पर ड्रग्स लगातार मुहैया करा रहे थे।